जेस की दोपहरी श्री राम साधना आरण्य के दर्शन। आज ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी 24 मई 2023। सूर्य की रोशनी में नहाया ये श्री राम साधना आरण्य। अब मैं यहाँ से निकल के ये सामने बाबा भूतेश्वरनाथ महादेव मंदिर के शिखर के दर्शन। अब ब्यास गद्दी में मन शत्रुपा स्थल में जो भगवत कथा का आयोजन 2 बजे से 6 बजे तक हो रहा है उसमें शामिल होने जा रहा हूँ। मौसम अपेक्षाकृत रात में घने काले बादलों के बाद कुछ छींटे पड़े सवेरे के समय, लाइट भी नहीं थी सुबह सुबह। उसके बाद मौसम थोड़ा ठीक होता हुआ, गर्मी उतनी ज़्यादा नहीं। बाईं तरफ उड़िया बाबा का आश्रम, अपने 4 अन्य शिष्यों गुरुओं के साथ चैतन्य रूप में विराजित। और ये रास्ता बाएं रैन बसेरा स्थल को जाता हुआ, जो कि जिसका निर्माण कार्य अभी चल रहा है, और ये दाहिने सीधे श्री चक्र तीर्थ से बगल से होता हुआ ललिता देवी मंदिर, उसके बाद बाहर सीधे मेन रोड दाहिनी तरफ तल्ली चौराहा करीब 10 किलोमीटर, बाईं तरफ श्री कालीपीठ चौक करीब करीब 800 मीटर, जहां से सीधे जाने पे रेलवे स्टेशन, दाहिने निकलने पे आपको प्राइवेट बस स्टैंड मिल जाएगा। ये भक्तगण अपनी विभिन्न वाहनों से ई रिक्शा के साथ माध्यम से आते जाते। और ये श्री चक्र तीर्थ सूर्य की रोशनी में नहाया एरिया बानर राज जल क्रीड़ा करते हुए सामने श्री चक्र तीर्थ में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ। यहाँ ब्यास गद्दी की तरफ जाती हुई, यहाँ से बाएं ब्यास गद्दी करीब मुश्किल से 300-400 मीटर पे गाड़ियाँ 62 UP 62। देखिए भक्तगण भोजन प्रसाद श्री रामेश हनुमान मंदिर, भोजन प्रसाद चल रहा, आराम करते हुए लोग। ये गाड़ी देखिए एक से एक बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। ये श्री कुंतकेश्वर महादेव प्राचीन शिवाला, जिस वही तो आ तो आप वहीं से तो आ रहे हैं, उधर उधर है बिल्कुल सीधे ब्यास गद्दी श्री कुंतकेश्वर महादेव प्राचीन शिवाला। UP 16 उधर ही से आती हुई गाड़ी ब्यास गद्दी के बारे में पूछते हुए विराज करी राजकीय महर्षि ब्यास चेतना के पार्क। बाबा की हेतु की कृपा और सूर्यदेव को प्रेरणा जो उन्होंने दी है महाकाल के थ्रू, बहुत अच्छा मौसम, गर्म बिल्कुल नहीं। ये दाहिने हनुमानगढ़ी को जाता रास्ता,
सीधे ब्यास गद्दी को। ब्यास गद्दी के बाद पहुंचता हुआ मैं ये गाड़ी 2x2 स्लीपर कोच श्रीनाथ जी की हवेली श्री शक्ति साधना स्थल परम पूज गुरुदेव के कुछ सद्वचन दीवार लेखन के ये पवित्र वट वृक्ष महर्षिवीर व्यास तप स्थान व्यास गद्दी ये श्रीनाथ जी की हवेली मंदिर दर्शन समय सारणी आरती का मंगला 7:30 सुबह शयन आरती 6:30 रात शाम भोग आरती 5:30 ये सोनकादि 88,000 महर्षियों का सर्वसिद्धिदायक यज्ञ स्थल और ये 5,999 वर्ष पुराना वट वृक्ष